अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप हेल्थ की वेबसाइट के लिए आर्टिकल ढूंढ सकते हैं। बहुत से तरीके हैं, बहुत सी वेबसाइट हैं जहाँ से आप हेल्थ की वेबसाइट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल ढूंढ सकते हैं। तो उससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप हेल्थ वेबसाइट बना सकते हैं, तो ये वीडियो आपने देख लेनी है। ये मैंने इसमें आपको सब कुछ बताया है। प्रो कोर्स आपका जा रहा है, इसका पार्ट टू आज होने वाला है, जिसमें हमने पार्ट वन था, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप हेल्प वेबसाइट बना सकते हैं यूजिंग ब्लॉगर। तो ये एडवांस लेवल का कोर्स है दोस्तों, इसको ज़रूर देख लें। तो इसमें मैंने आपको वेबसाइट कस्टमाइजेशन, सेटिंग और सब कुछ, डिज़ाइनिंग वगैरह, यानी कुल लोगों फैब आइकॉन बनाना सिखाया। तो ये वीडियो ज़रूर देख लें। 34 मिनट का वीडियो बहुत लंबा, लेकिन इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा है आज का कि आर्टिकल टॉपिक्स एंड कैटेगरी। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ट्रेंडिंग आर्टिकल प्लस ब्लॉग पोस्ट आइडिया किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आज की वीडियो में यही होने वाला है कि किस तरह से हमने ट्रेंडिंग आर्टिकल फाइंड आउट करने हैं जो रिसेंटली अपलोड होते हैं। ठीक है, एक हार को, दो हार को, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके टाइटल वगैरह चेंज करके अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने एक काम कर देना, छोटा सा काम है, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है और साथ बेल के आइकन को ज़रूर दबा देना है, क्योंकि दोस्तों जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिल सके। दोस्तों अपने प्ले लिस्ट में जाना है और यहाँ पर आपने हमारी ब्लॉगर फुल कोर्स प्लस प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स ये वीडियो देख लेनी है, और ये वर्ड प्रेस फुल कोर्स प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स ये दोनों वीडियो आपने प्ले लिस्ट, मतलब आपको बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह मिल जाएंगी, इसे आपने वीडियो देख लेनी है। और दोस्तों आपने वीडियो को लाइक कर देना है, अगर शेयर कर देना है, और नीचे कमेंट कर देना है कि आपको किस तरह वीडियो लगी है। चलिए अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमने हेल्थ वेबसाइट के आर्टिकल फाइंड आउट करने, जो ट्रेंडिंग है, ठीक है, जो रिसेंटली अपलोड हुए। तो आपके पास ब्राउज़र होगा, ठीक है, तो मैं पहले ये ब्राउज़र है, ठीक है, यहाँ पर आपने गूगल ऐप्स पर क्लिक करना है। गूगल ऐप्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपने गूगल न्यूज़ पे करना है, ठीक है, क्लिक। गूगल न्यूज़ पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी है हेल्थ की है, ठीक है, तो ये आपको हेल्थ की मिल रही है हेल्थ। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सब कैटेगरी मिल जाती है, ठीक है, के लेटेस्ट मेडिसिन, हेल्थ केयर, ठीक है, और भी इसमें कैटेगरी आपको यहाँ पर मिल जाती है, मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन, फिटनेस। तो यहाँ से आप आर्टिकल ढूंढ सकते हैं, कुछ चेंजिंग करके आप इसमें टाइटल वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा ब्लॉग पोस्ट चेंज कर सकते हैं इसके पोस्ट के हवाले से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेडिसिन, हेल्थ केयर, मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन, फिटनेस, बहुत से इसमें मेन मेन्यू जो आपको मेन मेन्यू के लिहाज से मिले। तो मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ अपनी, मैं यहाँ पर ब्लॉगर खोल लेता हूँ, तो ब्लॉगर मैंने खोल लिया है। तो ये देख सकते हैं हमारे पास प्रो हेल्थ टिप्स एंड ट्रिक्स की हमने वेबसाइट बनाई थी, ठीक है। तो इस तरह की कोई वेबसाइट थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह की वहाँ पर हमारे पास मेन मेन्यू बने हैं, इसके मेन मेन्यू, और यही हमारी कैटेगरी है, ठीक है, लेटेस्ट मेडिसिन, हेल्थ केयर, मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन, फिटनेस, तो यही हमारी कैटेगरी है और यही हमारे मेन मेन है, जिसके मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, लेटेस्ट मेडिसिन, मेंटल हेल्थ, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस। तो ये हमारे मेन्यू भी है, मेन मेन्यू भी है, और यही इसी में हमारे पोस्ट होंगे और इसी में हमारे कैटेगरी इसी में ही होगी, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया है कि कहाँ से फाइंड आउट करने, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह करना है। तो इस पर आपने कोई क्लिक करना है, अभी आपको मैं यूनिक जिस आर्टिकल यूनिक किस तरह बनाते हैं, लेकिन वो आज आपको नहीं बताने वाला, वो अगले पार्ट होने वाला, पार्ट थ्री होने वाला है उसमें, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा किसी भी आर्टिकल को यूनिक कैसे बनाते हैं। तो ये तो दोस्तों पहली मतलब तरीका था कि किस तरह से हमने आर्टिकल ढूंढना है। तो और भी वेबसाइट हैं जहाँ से आप आर्टिकल ढूंढ सकते हैं, सारा कॉपी पेस्ट वगैरह नहीं करना आपने, कुछ थोड़ी चेंजिंग करनी है बीच में, ठीक है। तो ये छोटे छोटे आर्टिकल हैं, ये रिसेंटली अपलोड हुए होते हैं, नए नए आर्टिकल हैं, तो ये ज़रूर अपनी वेबसाइट में ट्राई कर लिए। बेशक गूगल एडसेंस अप्लाई नहीं कर रहा, एड स्टे रहा वगैरह अप्लाई कर लें, अगर आपके पास ट्रैफिक ज़्यादा है तो आप अर्निंग ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आर्टिकल आप करें, अपनी वेबसाइट ब्लॉगर पे लगाएं
और आपकी अर्निंग होगी, आप दूसरे ऐड नेटवर्क लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको कॉपी पेस्ट करके या फिर थोड़ी चेंजिंग वगैरह करके टाइटल को चेंज करके थोड़ा आप इसको अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं। लेकिन शुरू शुरू में आपको ट्रैफिक नहीं आएगा, थोड़े से आर्टिकल अपलोड करने पड़ेंगे तभी कुछ आएगा, मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं मिलने लगा। तो इसलिए सबसे पहले आपने कोई 30-40 आर्टिकल लिख लेने, फिर ही आपके पास थोड़ा सा ट्रैफिक आएगा। वैसे तो शुरू में एक आर्टिकल लिखेंगे भाई जान ट्रैफिक ही नहीं आ रहा, छोड़ दो, तो मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ही आपको कुछ मिलेगा। वैसे तो कुछ नहीं मिलने लगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप आर्टिकल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत सी वेबसाइटें हैं जहाँ से आप आर्टिकल फाइंड आउट कर सकते हैं, easyinarticle.com। तो यही मैंने वीडियो रिसेंटली अपलोड की, यहाँ पर आपको इसमें भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है कि कहाँ से आप आर्टिकल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, आगे वीडियो तो छोटा ही होने वाला है। तो ये आपको मेरे टॉप 5 वेबसाइट टू गेट फ्री आर्टिकल। तो इसमें मैंने 5 वेबसाइट बताई थी जहाँ से आप आर्टिकल फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप माय चैनल पर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल के आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि वीडियो जब सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स वगैरह मिल जाएंगी, यूज़फुल लिंक्स। आपको यहाँ पर आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लेना है, हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ट्विटर पर फॉलो कर लेना है, और हमारे प्लेलिस्ट कोर्सेज हमारे देख लेने हैं आपके। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अल्लाह हाफिज़।